Hi guys, this is me, Alice Swift. Welcome back to my channel and I'm back with another blog and Rajgir ke ek next episode ke saath main aa gayi hoon. Aur isse pehle aapne dekha tha mera sky walk glass bridge ka blog jisme एवरेज था, ठीक ठाक था एक्सपीरियंस. और मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना जो भी यहाँ से जा रहे थे वापस, वो बता रहे थे कि आप जो 125 रुपीज़ लगाते हो ग्लास ब्रिज के लिए, उससे अच्छा आप 10 रुपये में सस्पेंशन ब्रिज में जाओ, उस पर ज़्यादा मज़ा आता है. सो अभी हम जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज को कवर करने, जिसका टिकट है 10 रुपये. और रास्ते जाने वाला जो है, आप मेरे पीछे देख रहे हो, काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब एक नेचर का ब्यूटी जो हम कभी अपने शहर में रहते रहते ना खो चुके हैं, वो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. दोनों साइड से जो है जंगल है, बीच में रास्ता है, वो भी उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो मज़ा आता है. और वहाँ पे चलते हैं और आई थिंक टिकट वहीं पे लेना है, क्योंकि हम लोग ने आगे टिकट नहीं लिया था, वहाँ पे नहीं मिला, तो टिकट वहाँ से लेंगे और फिर हम वहाँ पे कवर करते हैं. गाइस, अभी हम लोग सस्पेंशन ब्रिज के पास में आ गए हैं और यहाँ का टिकट जो है 10 रुपये का है. और यहाँ पे मुझे इन हॉच पॉच का, हमको दोनों तरफ ध्यान दे रहे हैं ना, उधर बेटा और टिकट भी कोई नहीं चला जाए, इसलिए हॉच पॉच. अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे गार्ड नहीं है क्या भैया? खाना खा रहा है. अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं? हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं. मतलब ब्लॉगिंग मतलब मेरा पर्सनल वीडियोस बन रहा है. हम अपने इस जगह पे आए हैं, इसलिए अपने यूट्यूब चैनल. आप भी आइए. एक मिनट, अभी आपको रुकेंगे, आपके पहले कैमरा ऑफ कर लीजिए. सो गाइज, यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट मैं वीडियो तो बनाऊंगी भाई, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग वीडियो बनाते हैं. और ये जो है गवर्नमेंट का है, इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो यहाँ से कुछ क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ चोरी हो जाएगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है. हमारे वीडियोज़ के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो लोग यहाँ पर ईजिली आके इस जगह को इन्जॉय कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ का वीडियो बना रहे हैं. सो ये रीज़न है भैया, हम लोग कुछ यहाँ का इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर रहे हमारे वीडियोज़ के थ्रू. आपको बनाने के लिए हमारा नहीं कर रहे हैं, आपसे पूछना मेरा काम है. अच्छा ओके, तो आप इसलिए बोले कि परमिशन नहीं है, परमिशन इसके लिए नहीं लिया जाता है. अगर हम कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाते हैं या फिर कोई डिफेंस एरिया में हम लोग जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों को लेना. ओके गाइस, सो हम लोग को यहाँ टिकट मिल चुका है हम लोग का, और इसका टिकट जो है वो 10 रुपीज का है. और अब हम लोग अंदर चलते हैं, देखता है कैसे एक्सपीरियंस है. गाइस, मैं चलना स्टार्ट कर चुकी हूँ और ये पूरा आप देखेंगे यहीं से स्टार्ट हो गया, हिलना स्टार्ट हो चुका है. और सीरियसली 10 रुपये वसूल हो जाएंगे, मुझे यहीं से फील हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है. ये लकड़ी का बना हुआ है, बट सेफ्टी मेजर्स के लिए ये सब जो है यहाँ से लगा हुआ है, जिससे हम कितना भी हिलेगा तो हम गिरेंगे नहीं. और आप थोड़ी सी ज़्यादा ना, आप नीचे देखोगे तो इसमें गैपिंग्स है, जिस वजह से थोड़ा सा डर ज़रूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में गैपिंग है. यहाँ पर तो थोड़ी भी डर नहीं लग रही है हम लोग को. अच्छा, नहीं लग रही है? नहीं, थोड़ी भी नहीं लग रही है डर. अरे चल चल रहे साथ में, थोड़ी भी डर नहीं लग रहा. किसी को डर नहीं लग रहा और ये काफी ज्यादा इसको हिला रहे हैं और मजा आ रहा है, हिल रहा तो मजा आ रहा है, एक्चुअली मजा आ रहा है, डर नहीं लग रहा. भाई हिला भी नहीं रहा, गिर ना जाए. अरे अरे, बट यस, मजा तो आ रहा है. आपको दिक्कत हो रहा होगा ना? नहीं भाई, क्या नहीं आ रहा? सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना. ए तू लोग पीछे मुड़. काफी मेरा कैमरा भी हिल रहा होगा पीछे, जबकि मैंने हैंडल नहीं किया है, बट ये बहुत ज्यादा हिल रहा है और वीडियो शेक ही आने वाला है. बहुत बस अब हो गया, हो गया, हो गया. अच्छा फील हो रहा है इस ब्रिज पे चढ़ के. अरे ये बहुत ज्यादा ही हिल रहा है अब तो. कितना मजा आ रहा है जो हम करने में, बहुत ज्यादा. 125 भी इसी में हम लोग का गया, उसमें हम लोग को, अब हम लोग के गाइस जो बहुत ज्यादा हिल रहा है, बट सीरियसली बहुत मजा आ रहा है. हम लोग सेंटर में पहुंच चुके हैं, पीछे अंकल लोग भी एंजॉय कर रहे हैं. सबके 10 रुपए जो है वसूल हो गए पूरी अच्छी तरह से. और सीरियसली बोलो तो अब मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही है. और हिला, और हिला. नहीं नहीं, ये अच्छा है, निश्चित ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है. 10 रुपीज में बहुत मजा आ रहा है हम लोग को. बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं यहाँ एंजॉय करने. हाँ बिल्कुल, मुंबई से आया. देखेंगे को देखिए कितना मजा आ रहा है यहाँ पर. बेबी डर रही हो क्या? डर रही है नहीं, नहीं ना, बेबी नहीं डर रही है. बेबी तो इसको ये चीज अच्छा लगता है, आदत होना चाहिए, अभी से आदत बनना चाहिए, इसीलिए तो.
हम लोग का ऑलमोस्ट सस्पेंशन भी खत्म हो गया। देखिए एक मेरा साथ जो दोस्त है ये डर रहा है, इसका भी साथ हम सामने सामने आ रहे हैं। देखिए ये लड़का डर रहा है बहुत ज्यादा। तो गाइस हम लोग सस्पेंशन ब्रिज के एंड पे हैं और यहाँ पे आप पीछे देखोगे, जूम करके दिखाती हूँ मैं, तो वहाँ पे यहाँ से ग्लास ब्रिज दिख रहा है और दिख रहे हैं ग्लास ब्रिज कितना छोटा है यहाँ के हिसाब से। ये तो पूरा मतलब वहाँ से लेके एंड तक है और वो बस उतना ही, बस आधा भी नहीं है वो तो। सो गाइस हम लोग जो है सस्पेंशन ब्रिज से आ गए हैं और इधर में कुछ कुछ देखेंगे तो स्टैचूज बने हुए हैं, मैं इसका अभी आप लोग को क्लोज व्यू दिखाती हूँ सारा। और नीचे में एक छोटा छोटा सा ना बैम्बू का हट बना हुआ है जिसके अंदर भी स्टैचूज हैं, तो वो मैं कवर करती हूँ। और काफी ब्यूटीफुल है, स्पेशली अगर आप लोग पिक्चर्स लेना चाहते हैं। हाँ तो पिक्चर्स अगर लेना है तो आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं और उसमें देखेंगे इस तरह से जो है स्टैचूज बने हुए हैं। सो ये सब मुझे लगता है ना, जो भी मतलब जैसे पहले आदिवासी जो भी जंगल में रहते थे, कुछ उन्हीं लोग को उन्हीं लोग का कैरेक्टर्स बनाया गया है, क्योंकि इनका जिस तरह का पहनावा इस फोटो मतलब स्टैचू में है तो उसको देख के बिल्कुल उसी तरह से लगता है। और मेरे यहाँ पे आप देखेंगे एक जो है ना मतलब काम वाम करने वाली जो लेडी होती हैं, उस तरह का यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है। सस्पेंशन ब्रिज का व्यू आपने देखा, जो भी यहाँ पे आए थे सबको ये ग्लास ब्रिज के कंपैरिजन में सबको अच्छा लगा। सुमित आपको कैसा लगा यहाँ पे? ये अल्टीमेट वाला था, ये मतलब उससे कोई जोड़ी नहीं है, है हाँ। ग्लास ब्रिज झूठ मूठ का बस 125 का, लेकिन असली मजा 10 रुपए में ही सही है। सही कहा इन्होंने भी कहा, बाकी सब मतलब हम मुझे भी यही लगता है कि वो 125 रुपीज़ जो है वो वेस्ट जाता है, बट यहाँ पे 10 रुपये पे जब आप आओगे ना तो आपको लगेगा कि चलो वहाँ पे जो 125 रुपीज़ दिया चलो इसमें वसूल हो गया वो, एंड काफ़ी अच्छा है। आप लोग अगर आते हैं तो कभी भी इसको मत मिस कीजिएगा। अगर आप ग्लास ब्रिज नहीं भी इंजॉय करते ना तो इस पर ज़रूर आइए। एंड या बहुत कुछ मैंने इसमें कवर कर लिया है, और वीडियो अगर पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और अगर आप लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं तो आप लोगों को यहाँ पे कैसा लगा था, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। एंड काफ़ी थक भी गई हूँ, धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो करते हैं इस वीडियो को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।